क्या बोलता है, सो दैट द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है, ये आपका लाइन है, इसके बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है, इसके बीच का एंगल निकालना है, ये आपका पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना दिया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, ठीक है, ये आपका थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फिर फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, कंसीडर ये इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है, इट्स ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये ए एच ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, यहां का वैल्यू है, ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसका दो रूल्स होगा, इक्वेशन दिस इक्वेशन इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, एंड इट हैज टू रूट्स एम वन एंड एम टू। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स एम वन प्लस एम टू इक्वल टू क्या होता है, माइनस टू एच अपॉन बी, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट एम वन इन टू एम टू इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है। अभी यहां पे देखो, देखो सम ऑफ रूट्स एम वन प्लस एम टू इक्वल टू माइनस टू एच बाई बी आया, अगर मैं डिफरेंस निकालू तो क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट इक्वल टू एम वन माइनस एम टू आएगा, राइट, ठीक है। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूं एम वन माइनस एम टू का स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड करो तो क्या आता है, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर माइनस टू एम वन एम टू, ठीक है। तो इसको अगर मैं फॉर्म में लिखूं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो ये क्या होगा, एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस फोर एम वन एम टू, ठीक है, एक्सपेंड करोगे तो प्लस टू एम वन एम टू आएगा ना, तो प्लस में से ये माइनस फोर एम वन एम टू जाएगा तो माइनस टू एम वन एम टू, ठीक है, ये इक्वेशन को सिर्फ मॉडिफाई किया हो, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा हो, क्योंकि एम वन प्लस एम टू का वैल्यू मैं डाल सकता हूँ ना, इतना माइनस टू एच अपॉन बी का स्क्वायर डाल सकता हूँ, माइनस फोर एम वन एम टू का वैल्यू क्या डाल सकता हूँ, ए बाई बी, ठीक है, ये सॉल्व करो एलसीएम क्या आएगा, बी स्क्वायर, तो ये फोर एच स्क्वायर माइनस फोर ए बी, ठीक है, ये क्या हो गया, एम वन माइनस एम टू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका अगर अंडर रूट लूंगा एम वन माइनस एम टू तो क्या मिलेगा बताओ, टेकिंग अ स्क्वायर रूट एम वन माइनस एम टू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर एच स्क्वायर माइनस फोर ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, तो वो वैल्यू निकालो कितना आता है, यहां तक पहले लिख लो फिर मैं आगे बताता हूं। तो अपना m1 वन माइनस एम टू क्या आ गया, m1 वन माइनस एम टू इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया था तो प्लस माइनस होगा अंडर रूट ऑफ फोर कॉमन है, ठीक है, फोर कॉमन ले लूंगा तो एच स्क्वायर माइनस ए बी बचेगा डिवाइडेड बाय ये नीचे में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, राइट, तो प्लस माइनस फोर को बाहर लूंगा तो ये टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी, ठीक है।
तो ये m1 माइनस m2 आ गया तुम्हारा, यहां तक क्लियर होगा। फिर tan थीटा स्लोप क्या होता है, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है एंगल निकालेंगे तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, ठीक है। ये m1 m2 का वैल्यू यहां पे डाल देंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ठीक है m1 m2 का वैल्यू कितना होगा, इसमें दिया था a प्लस बी था राइट, m1 m2 का वैल्यू a बाई बी था ना, और ये भी डिवाइडेड बाई बी है, इसका डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी आएगा राइट, लिख लो। तो देखो आगे क्या है, आगे का इक्वेशन ये है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो से, ठीक है। कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री, ठीक है, ए इक्वल टू थ्री। फिर देखो फिर कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई है, एक्स वाई है, अगर कंपेयर करने नहीं आता तो पूरा लिख दो, ठीक है। तो फोर रूट थ्री एक्स वाई इक्वल टू टू एच एक्स वाई है, तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस फोर रूट थ्री इक्वल टू टू एच, ठीक है, ये टू से चला जाएगा फोर, तो माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू एच आएगा, ठीक है। फिर क्या है, फिर है थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू, किससे कंपेयर करेंगे, बी वाई स्क्वायर से, तो वाई स्क्वायर चला जाएगा तो बी इक्वल टू थ्री बचेगा, ठीक है। तो अभी इसका एंगल निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या है अपना, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, प्लस माइनस टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है। तो प्लस माइनस टू, एच का वैल्यू क्या है, टू रूट थ्री, तो माइनस टू रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का वैल्यू कितना है थ्री, तो थ्री इंटू बी का वैल्यू कितना है थ्री डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है थ्री है, और ये बी थ्री, थ्री प्लस थ्री, ठीक है। ये सॉल्व कर लेंगे तो प्लस माइनस टू अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर फोर, और ये रूट थ्री का, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री होता है, तो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन डिवाइडेड बाई सिक्स, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस टू है, अंडर रूट कितना बचेगा, ट्वेल्व में से नाइन जाएगा तो कितना बचता है थ्री आता है, डिवाइडेड बाई सिक्स, तो ये कैंसिल करेंगे तो थ्री हो जाएगा राइट। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, प्लस माइनस रूट थ्री बाई थ्री, ठीक है, ये लिख लो। तो देखो ये आगे का वैल्यू, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस रूट थ्री बाई थ्री, ठीक है। तो अभी मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो जाएगा थ्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई थ्री इंटू रूट थ्री, तो थ्री से थ्री चला जाता है, प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है, ये टेन थीटा हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट थ्री, तो ये मिलेगा थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स, ठीक है, मतलब सिक्सटी डिग्री थीटा इक्वल टू, ठीक है। कन्वर्ट करके देख सकते हो, पाई बाई सिक्स है, इसको डिग्री में करते हैं तो 180 बाई पाई होता है, तो इससे कैंसिल, ये थ्री टाइम्स में, तो ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये देख लो 30 डिग्री, ठीक है, ये ऐसे कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बोलता है क्वेश्चन, शो दैट इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर, दिस इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 19y माइनस 20 इक्वल टू जीरो, ठीक है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, ऑल्सो फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, ठीक है। तो ये पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या है आपका, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइनटीन वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, तो ए क्या हो गया आपका टू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एच वाई एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई है तो टू एच इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, तो एच इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, नेक्स्ट है बी वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, तो बी इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा। फिर क्या टू जी इक्वल टू, देखो टू जी एक्स माइनस सिक्स एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स, तो जी इक्वल टू माइनस थ्री। फिर क्या टू एफ वाई, तो ये क्या नाइनटीन वाई, नाइनटीन वाई इक्वल टू टू एफ वाई, तो वाई से वाई चला जाएगा, टू एफ इक्वल टू नाइनटीन, तो एफ इक्वल टू नाइनटीन बाई टू। नेक्स्ट क्या है सी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन शो करना है, तो उसके लिए मैं बताया था इसका जो डिटर्मिनेंट है वो वैल्यू जीरो होना चाहिए डी इक्वल टू। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है बताया था, ऑल और गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। ठीक है, ठीक है, ये इक्वल टू कितना होना चाहिए जीरो, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ए का वैल्यू कितना है टू, एच का वैल्यू कितना है माइनस हाफ, जी का वैल्यू कितना है माइनस थ्री, एच का वैल्यू कितना है माइनस हाफ, बी का वैल्यू कितना है माइनस थ्री, एफ का वैल्यू क्या है नाइनटीन बाई टू, जी का वैल्यू क्या है फिर से माइनस थ्री, एफ का वैल्यू क्या है नाइनटीन बाई टू, सी का वैल्यू क्या है माइनस ट्वेंटी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, याद है ना तुमको, तो ये टू रहेगा, प्लस माइनस प्लस होता है साइन। ठीक है, तो टू रहेगा, तो ये दोनों को लेते हैं हम लोग, तो ये टू इंटू माइनस थ्री और ये हो जाएगा माइनस थ्री इंटू माइनस ट्वेंटी, फिर माइनस आता है तो माइनस नाइनटीन बाई टू इंटू नाइनटीन बाई टू, फिर होगा साइन आता है माइनस का, ऑलरेडी माइनस है इसमें, फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब ये लेते हैं तो ये दोनों नहीं लेंगे, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वन अपॉन टू इंटू माइनस ट्वेंटी, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस थ्री इंटू नाइनटीन बाई टू, फिर क्या आएगा प्लस माइनस थ्री ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में हम लोग अभी ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन अपॉन टू इंटू नाइनटीन बाई टू माइनस माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा टू माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी कितना हो जाएगा सिक्सटी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये करेंगे नाइनटीन, तो ये नाइनटीन स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी बाई टू, और ये हो जाएगा प्लस नाइनटीन इंटू थ्री कर लो थ्री इंटू नाइनटीन बाई टू, फिर क्या माइनस थ्री नाइनटीन बाई फोर। ठीक है, तो ये माइनस नाइन। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करोगे तो जीरो आता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, और एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो वैल्यू डाल देंगे टू, एच का वैल्यू कितना है माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर, माइनस ए का वैल्यू क्या है टू, बी का वैल्यू क्या है माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, टू बी का वैल्यू कितना है माइनस थ्री। सॉल्व कर लो ये कितना आता है,
tan theta is equal to plus minus 2 under root of 1 upon 4 minus प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 1। ठीक है सॉल्व कर लेंगे ये एलसीएम 4 हो जाएगा तो 1 प्लस 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाय माइनस 1 तो ये क्या बचेगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 25 बाय 4। ठीक है माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है तो बाहर आ जाएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 ये हो जाएगा 5 बाई 2 आ जाएगा 2 से 2 चला जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस 1 तो प्लस माइनस ये माइनस प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है लिख लो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड टी एंड ए पी इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस चार मार्क लिया ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या है क्वेश्चन इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है तो इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपका होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये दोनों को कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ये आपका 1 हो गया ये 2 हो गया। ठीक है कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू p आ गया xy 2h इक्वल टू माइनस 8 हो गया तो h इक्वल टू माइनस 4 हो गया। ठीक है फिर क्या b इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है by स्क्वायर 3y स्क्वायर तो ये b 3 हो जाएगा फिर क्या 2gx 14 तो 2g इक्वल टू 14 तो g इक्वल टू 7। ठीक है 2fy इक्वल टू y है तो 2f इक्वल टू 2 है f इक्वल टू 1 हो जाएगा k इक्वल टू c है। ठीक है तो रिप्रेजेंट्स अ परपेंडिकुलर लाइन है तो परपेंडिकुलर लाइंस होता है ना लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है a प्लस b इक्वल टू 0 होता है। ठीक है तो वैल्यू पता है मुझे a का वैल्यू पता है p है तो P, P का वैल्यू पता है कितना है 3 है तो ये सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू कितना आएगा माइनस 3। ठीक है और ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0 होगा ना कंडीशन 4 रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है तो d इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा तो क्या मिलता है ऑल हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा तो ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है तो इसमें वैल्यू डाल देंगे a b c d का a का वैल्यू कितना है t का वैल्यू आ गया माइनस 3। ठीक है तो पहले लिख लेते हैं a इज t राइट h इज माइनस 4 G is 7, H का वैल्यू कितना है माइनस 4, B का वैल्यू कितना है B का वैल्यू 3 है, F का वैल्यू कितना है 1, ठीक है F का वैल्यू कितना है 1 है, G का वैल्यू कितना है 7, ठीक है F का वैल्यू कितना है 1, C का वैल्यू कितना है 8। ठीक है तो अभी और सॉल्व करेंगे इसको p का वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ पे डाल दूंगा माइनस 3 हो जाएगा माइनस 4 7 माइनस 4 3 1 7 1 k इक्वल टू 0। ठीक है इसको सॉल्व करेंगे अभी तो
ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो माइनस थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के हो जाएगा, ये वन इंटू वन वन, फिर ये माइनस माइनस फोर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर है ना, तो ये माइनस फोर इंटू के, माइनस फोर इंटू के, सेवन इंटू वन, माइनस सेवन इंटू वन, फिर क्या आएगा प्लस सेवन, ठीक है, तो माइनस फोर इंटू वन, माइनस फोर इंटू वन, माइनस सेवन इंटू थ्री, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस थ्री, ये थ्री के माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस फोर के माइनस सेवन प्लस सेवन, माइनस फोर माइनस ट्वेंटी वन, ठीक है, ये सॉल्व करने का इक्वल टू जीरो करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं अंदर, माइनस नाइन के माइनस माइनस प्लस थ्री, ये करेंगे तो माइनस सिक्सटीन के माइनस ट्वेंटी एट, ये हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो प्लस सेवन इंटू ये ऐड करेंगे माइनस ट्वेंटी फाइव, ठीक है, ये सॉल्व करो और बताओ के का वैल्यू, तो ये सॉल्व करोगे तो के का वैल्यू माइनस एट आता है, ठीक है, ये लिखो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स अ लाइन थ्रू ओरिजिन, ठीक है, चार मार्क के लिए, तो इक्वेशन कंसीडर करते हैं सेकंड डिग्री का, कंसीडर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, केस वन लेते हैं, ये आपका पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स लिख देता हूं, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, तो ठीक है, तो केस वन लेते हैं, केस वन ए इक्वल टू जीरो ले लो एंड एच नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या मिलेगा इसमें सॉल्व करेंगे तो ये जीरो डाल देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या टू एच एक्स वाई प्लस डी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये दोनों से वाई कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा टू एच एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे इसको दोनों को इक्वल टू करते हैं तो वाई इक्वल टू जीरो होगा एंड टू एच एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइन्स हो गया, ठीक है, ये हो गया दोनों पेयर ऑफ लाइंस, एक एक ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गया इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, अभी केस टू सॉल्व करते हैं, केस टू में क्या है, केस टू ए इक्वल टू जीरो लेते हैं और बी इक्वल टू जीरो और एच नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है, ये दोनों वैल्यू को जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू भी जीरो आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा r पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, नेक्स्ट केस थ्री a नॉट इक्वल टू जीरो है, h नॉट इक्वल टू जीरो है और b नॉट इक्वल टू जीरो है, इस बार तीनों को जीरो नहीं लेता हूं, तो ये इक्वेशन सेम टू सेम लिखूंगा यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या मिलेगा ए एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस
डी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो ए बचेगा, ठीक है, एक एक्स से एक एक्स चला जाएगा तो टू एच वाई बाई एक्स बचेगा प्लस बी वाई बाई एक्स का स्क्वायर बचेगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वाई बाई एक्स क्या है आपका, ठीक है, स्लोप है ना, तो यहां से स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, रूट्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, रूट्स जो है आपका वाई बाई एक्स हो गया। तो बताओ कैसे करेंगे, ये होता है माइनस टू एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई टू इंटू बी, ठीक है, ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे ना, माइनस टू एच प्लस माइनस अंडर रूट फोर एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई टू बी, ठीक है, माइनस टू ए तो ए के जगह पे यहाँ पे क्या है, एच है ना, ठीक है, तो ये कर लो और इसको सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे बताओ, सिंप्लीफाई करके, ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये क्या है y by x is equal to माइनस टू एच प्लस माइनस अंडर रूट फोर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई टू बी है, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा टू बी वाई इक्वल टू माइनस टू एच एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, ठीक है, तो ये आपका पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट करेगा, और अरेंज करना है तो अरेंज कर सकते हो, तो इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है ना, तो एक्स ले लो और माइनस टू एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और ये डी को भी उधर ले लेता हूँ, ठीक है, अगर टू से टू कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, तो ले लो सॉल्व कर लो, ये फोर ए बी होता है राइट, यहाँ पे फॉर्मूला में फोर ए बी था ना, तो ये फोर ए बी है, तो टू कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से टू बार आ जाएगा ना, माइनस टू एच प्लस माइनस टू बार आएगा तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये टू बी वाई है तो यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे तो टू एक्स माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, टू बी वाई टू से टू चला जाएगा तो बी वाई इक्वल टू x माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको, x माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, लिख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड के इफ वन ऑफ लाइन गिवन बाय, ठीक है, वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, उसका एक इक्वेशन ये दिया, ठीक है, तो सॉल्व करता हूं मैं, तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसमें से एक इक्वेशन, इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई 2hxy plus by square equal to 0, ठीक है, तो ये दोनों को कंपेयर करो 1 एंड 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा, 6 equal to a, ठीक है, 2hxy equal to k है, kxy, तो xy से xy चला जाएगा, टू एच इक्वल टू के मिलेगा, ठीक है,
और ये बी वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा, बी इक्वल टू वन ओवर, राइट। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या आएगा, बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, वैल्यू डाल देंगे इसमें बी एच और ए का, तो बी का वैल्यू कितना, वन, वन एम स्क्वायर प्लस टू, एच का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, के बाई टू, ठीक है, तो टू एच का वैल्यू डाल रहा है ना, तो टू एच का वैल्यू डायरेक्ट डाल दो के, तो ये के एम हो जाएगा, प्लस ए का वैल्यू कितना है, सिक्स है, इक्वल टू जीरो, तो एम स्क्वायर प्लस के एम प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिल गया, इसका स्लोप्स निकालो, ठीक है, स्लोप निकालूंगा इस इक्वेशन का, तो क्या मिलेगा, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, टू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये वन हो जाएगा, टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो एम इक्वल टू माइनस टू आएगा, एम इक्वल टू माइनस टू आएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे अभी, आगे कैसे कैलकुलेट करना है, पहले इस इक्वेशन का स्लोप निकाल दिया, तो एम इक्वल टू माइनस टू आया, अभी ये एम का वैल्यू जो है ना, ये इस इक्वेशन में डाल दो, तो ये माइनस टू स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, ठीक है, के इंटू माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू फाइव आता है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, एंगल 60 डिग्री बना रहा है विद द लाइन, तो लाइन क्या है आपका दिया हुआ, 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये आपका लाइन दिया हुआ है, तो इसको देखो थोड़ा अरेंज करता हूँ, तो 2y को इधर रखता हूँ, 3x को राइट में लेता हूँ, और इसको भी, तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 11, ठीक है, तो अभी 2 से डिवाइड करेंगे, तो y इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा इन टू एक्स प्लस 11 बाई 2, ठीक है, तो इसको इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन से कंपेयर करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस c से, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है।